हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ की जनता है, हम भी जनता की आवाज उठा रहे हैं, महंगाई की आवाज, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ। ये जनता से विश्वासघात किया है पिछले 10 साल। अगर 140 करोड़ जनता उनकी परिवार होती तो कहते हैं ना भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ? इतना अन्याय हुआ पिछले 10 साल तो अन्याय काल हुए हैं, भविष्य में अमृत काल के सपने दिखाई दे रहे हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है? अन्याय काल, अपने ही परिवार से अन्याय। आप कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि वो परिवार के मुखिया, और आप मुखिया में कमी बता रहे हैं। मुखिया नहीं है वो, ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। पर जो प्रधानमंत्री पद पर बैठकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, एक आम सहमति बनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कोई कोशिश नहीं की है। ये तो मार्केटिंग के लिए है, प्रचार के लिए है, रीब्रांडिंग के लिए है, और खुद को विश्वगुरु मानने के लिए, स्वघोषित विश्वगुरु है। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को सम्मान, प्रधानमंत्री पद को हम सम्मान देते हैं, पर अगर व्यक्ति को हमें सम्मान देना पड़ता है, अगर व्यक्ति चाहता है मुझे सम्मान मिले, तो ऐसा व्यवहार करें जो सम्मानजनक हो, जो सम्मान के प्राप्त हो।